नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। महामारी की आड़ में मास्क लगाकर किए जा रहे हैं अपराध और बढ़ रही हैं वारदातें। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने हाल ही में कोर्ट में एक दस्तावेज जमा किया जिसमें विलियम लोपेज द्वारा दिए गए वारदातों का जिक्र था। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मास्क को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद मास्क ग्लव्स का इस्तेमाल कुछ गलत कामों में भी लोग करने लगे हैं। एजेंसी के मुताबिक यह बता पाना मुश्किल है कि महामारी का फायदा उठाकर कितने लोगों ने अपराध किए हैं, लेकिन यह तय है कि इस तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक मास्क पहनकर अपराध को अंजाम देना और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के मामले तेजी से दुनिया भर में बढ़ सकते हैं। खबर कीटनाशक छिड़काव से नुकसान की। तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एक और जहां डॉक्टर और वैज्ञानिक दिन रात एक कर वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं, वहीं वायरस डिसइंफेक्टेड का छिड़काव कर कोरोना के असर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार की इन कोशिशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए सिरे से नकार दिया है। WHO का कहना है कि गलियों में किए जाने वाले डिसइंफेक्टेड से कोरोना वायरस का खात्मा नहीं हो सकता। WHO ने कहा कि इससे उल्टा लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगर समझा जा रहा है कि केमिकल छिड़काव से मौजूद वायरस खत्म किया जा सकता है तो ये बिल्कुल गलत है। खबर मध्य प्रदेश से। प्राइवेट स्कूल ले सकते हैं ट्यूशन फीस, सरकार ने दी इजाज़त। कोरोना वायरस के कारण स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, लेकिन इस दौरान भी अभिभावकों से फीस की मांग की जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि मध्य प्रदेश के निजी स्कूल लॉकडाउन अवधि के दौरान केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं, इसके अलावा कोई और फीस नहीं ली जाएगी। कोरोना महामारी के चलते स्कूल खुलने की उम्मीद ना के बराबर है, अभिभावक भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, ऐसे में ट्यूशन फीस भी देना मुश्किल हो गया है। हाँ, सरकार को चाहिए कि स्कूलों को कुछ अनुदान देकर मदद अवश्य करे जिससे प्राइवेट स्कूल बंद ना हो, परंतु बच्चों से आधी ट्यूशन फीस ही ली जाए जिससे बच्चों के अभिभावक भी आसानी से दे सके। सरकार को इस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। खबर सतना से। सतना में ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई जिसमें 7-8 प्रवासी मजदूर घायल, कई गंभीर हो गए हैं, जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जानकारी के अनुसार रविवार तड़के 4 बजे सतना जिले के अमरपाटन में नेशनल हाईवे नंबर 7 पर मजदूरों से भरी एक बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में 7-8 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज की खबरें बस इतनी ही, अगली खबरों में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।